जिलाध्यक्ष चौहान ने पीसीसी चीफ का स्वागत कर लोकसभा की दावेदारी पेश की। चंबल ग्वालियर संभाग के लोकसभा क्षेत्रों में दौरे के बीच श्योपुर जिले के विजयपुर कांग्रेस सम्मेलन में आए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता हेमंत कटारे का कांग्रेस जिलाध्यक्ष अतुल चौहान ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिले की सीमा पर आतिशी स्वागत किया। चौहान सैकड़ों समर्थकों की गाड़ियों के काफिले के साथ विजयपुर पहुंचे और सभा स्थल से कार्यकर्ताओं का संबोधन किया एवं मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस टिकट की स्वयं को दावेदारी प्रस्तुत की। वहीं पधारे हुए नेताओं ने भी अतुल चौहान के अध्यक्ष काल में दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की बंपर जीत पर उन्हें मंच से बधाई प्रेषित की। इस कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक गलियारों में चौहान के लोकसभा टिकट की अटकलें तेज हो गई। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय पूर्व मंत्री और छठी बार के विधायक आदरणीय रामनिवास रावत जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, सम्मानित मंच, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में हमको विश्वास था कि इस बार कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने जनमत को किस तरह से लूटा है ये आप सबको मालूम है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और श्योपुर ऐसे जिले हैं जिनमें दोनों सीटें श्योपुर की और छिंदवाड़ा की आपने यहां से बिता के दी है आदरणीय रामनिवास रावत और बाबू झंडे जी के रूप में। आदरणीय मैं जीतू पटवारी जी से कहना चाहूंगा कि वो जोश से भरे हुए नेता है, लोकप्रियता उनकी पूरे प्रदेश के अंदर है। निश्चित रूप से नए युवाओं को नए जोश के साथ जीतू पटवारी जी पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा में पूरी ताकत के साथ आगे लाएंगे और इस मध्य प्रदेश के अंदर उनके नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। और मैं कहना चाहूंगा आदरणीय उमंग सिंघार जी के रूप में, आदरणीय उमंग सिंघार जी जो वन मंत्री थे हमारी सरकार में, तो यहाँ पर कुरू का जो वन क्षेत्र है आपको याद होगा मोदी ने झूठ बोल करके यहाँ चीते छोड़ दिए हैं, लेकिन उसकी लड़ाई आदरणीय राम निवास रावत जी भी लड़ते रहे, कांग्रेस संगठन के रूप में हम लड़ते रहे और उमंग सिंघार जी लगातार गुजरात से मोदी से शेर मांगने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे। निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने शिवपुर के चूनों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।